आपने अक्सर बिजली ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई होते जरूर देखा होगा, लेकिन वैशाली पुलिस ने एक ऐसा बिजली ट्रांसफार्मर पकड़ा है जो बिजली के जगह विदेशी शराब की बोतल देता है। ट्रांसफार्मर से 1000 बोतल विदेशी शराब के अलावा 24 कार्टून विदेशी शराब के टेट्रा पैक बरामद किए गए हैं। सिर्फ शराब की तस्करी के लिए इस तरह के उपकरण को विशेष तौर पर बनाया गया है, जिसकी आड़ में आराम से शराब की तस्करी की जा सके। शराब तस्करी कर रहे एक चालक को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला हाजीपुर का है। यहाँ शराब कारोबारियों का नया कारनामा सामने आया है, जिसके तहत शराब कारोबारी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रांसफार्मर में छिपाकर लाए जा रहे शराब की एक बड़ी खेप को पुलिस और एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम ने पकड़ा है। साथ ही टीम ने मौके से ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई औद्योगिक थाना क्षेत्र के पटना हाजीपुर हाईवे पर उस वक्त की जब शराब की खेप हाजीपुर लाई जा रही थी। शराब कारोबारियों ने एक ट्रक पर बड़ा सा बिजली का ट्रांसफार्मर लोड कर रखा था, जिसके अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपा कर रखी हुई थी। ट्रांसफार्मर के अंदर से पुलिस ने 1000 बोतल विदेशी शराब के अलावा 24 कार्टून टेट्रा पैक शराब बरामद किया है। बरामद शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर जो है हम लोग है चेकिंग किए थे, जिसमें जो है इसकी बरामदगी हुई है। सर, क्या चीज़ में शराब लेके जा रहा था? सर, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर में शराब। कितना मात्रा में शराब पकड़ाया है? लगभग जो है 1000 के आसपास में होगा सर, अभी गिनती चल रही है। अमाउंट क्या लगभग सर? गिनने के बाद पता चलेगा। बिहार में भले ही शराबबंदी हो, बावजूद इसके शराबबंदी को मुंह चिढ़ाने वाली इस तरह की तस्वीरें आए दिन बिहार के किसी न किसी जिले से आती रहती है। देशवा न्यूज के लिए हाजीपुर से कुमार रंजीत की रिपोर्ट।